चंद्रवंश के राजाओं का वृत्तांत, यदुवंश वर्णन में कार्तवीर्यार्जुन के 5 पुत्रों का आख्यान, परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा, विदेह दानव का पराक्रम तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध, विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। रोमहर्षण ने कहा, इला का पुत्र राजा पुरुर्वा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को स्वर्भानु राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए थे। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था, जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, ययाति, सन्याति, आयाति और 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान महातेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5ों में आयाति महान बलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी दुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। उस आयाति ने अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राज पद पर अभिषिक्त किया। राजा आयातु ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में दुहु को और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने उस संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा आयाति भी पत्नी सहित वन चले गए। यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्रजीत, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्रजीत सबसे बड़ा था। सहस्रजीत का उसी के समान शतजीत नामक पुत्र राजा था। शतजीत के भी है और वेणुहय नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। हय का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्र उसका धर्म का धर्मनेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्मनेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजीत हुआ। संजीत का महिष्मान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रेण्य था। भद्रश्रेण्य का दुर्दम नामक पुत्र राजा था। दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यमान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतौचा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वो 1000 बाहुओं वाला द्वितीयमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम उस सहस्त्रार्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वो मारा गया। उस सहस्त्र बाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बली, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी। शूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा दयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों, उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनद, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, हमारे पिता शंकर की आराधना करते हैं। इस पर महा तेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करें, क्योंकि वे श्रीहरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियां कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजो मूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय हैं। उस दयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय है। यही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर
इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनके जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वो राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्वगुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्वगुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन की एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते, साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उससे जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने, सहस्त्रार्जुन तथा कातवीर्यार्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर शूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने ये बात कही, इस विषय में ऋषि ही प्रमाण है, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदनंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्तर्षियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभिष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तदत्त देवता मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं, विशेष अर्थात किसी उपदेश से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं, वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं, ब्राह्मणों के देवता अग्नि सूर्य ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं, देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं, गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं, विद्याधरों के देवता वागदेवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं, राक्षसों के शंकर रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती है, ऋषियों के देवता ब्रह्मा तथा त्रिशूलधारी महादेव हैं, मनुष्यों के देवता उमा देवी विष्णु तथा सूर्य हैं, गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं, ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं, भूतों के भगवान रुद्र कुष्मांडों के विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तर्षियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही ये कहा है, इसलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य हैं। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीत कर पृथ्वी का पालन करने लगे। विप्रेंद्रो, तदनंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाले प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वो दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर दसों दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विहल होकर भाग पड़े। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति सेना पर्वत शिला तलवार तथा मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसेन आदि वे पांच राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानव पर टूट पड़े। शूर ने रौद्रास्त्र, शूरसेन ने वरुणास्त्र, कृष्ण ने प्राजापत्यास्त्र, धृष्ण ने वायवास्त्र और जयध्वज ने कौबेर ऐन्द्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया, किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीर्यशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेगपूर्वक फेंका और गर्जना की। वो गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर ही यमराज तुल्य उस दानव को विकृत करने में समर्थ हो सके। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय अनामय लोकादि ग्रहिष्णु त्राणकर्ता पूर्व पुरुष श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ और राजा जयध्वज ने जगध्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानव को चलाया। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया।
देवताओं के शत्रु उस विदेह दानव के मारे जाने पर राजा शुर आदि सभी भाई अपनी रमणीय पुरी में चले गए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीर पुत्र को लेकर आए। उनको विश्वामित्र को आया देखकर आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्तिभाव से उनकी पूजा की तथा कहा, भगवान आपकी कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुव्रत, ये नारायण देव कौन है? उनका क्या प्रभाव है? ये सब मुझे बतलाइए, मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्मरूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन शूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदनंतर शूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उस अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम अत्रि तथा अगत्स ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों आदि के कारण आदिदेव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। एक अद्वित बात हुई, जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा।